लास्ट वन वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस और अ प्रोफेशन ऑफकोर्स कंक्लूजन आपको याद ही होगा आपने एक बार अगर पढ़ा होगा तो कि मैनेजमेंट को पूरी तरह से साइंस भी नहीं कहा जा सकता यह पूरी तरह से आर्ट भी नहीं है और इसे अब तक प्रोफेशनल दर्जा नहीं मिला है सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री देर आर द सिचुएशन

प्रोफेशन बिकॉज देर आर द कंसल्टेंट मैनेजर दीज डिज वो खुद पूरा टाइम आपका एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता पर आपको कंसल्ट कर सकता है एंड यू कॉल द मैनेजमेंट आर दिलेटेड टू द मैनेजमेंट एज एन आर्ट दि फर्स्ट इन दैट दैट इज इट रिक्वायर्स द पर्सनल स्किल्स ऑफकोर्स मैनेजर्स को भी पर्सनल स्किल्स चाहिए बिकॉज दे आर डीलिंग विदीपल दे नीड टू डेवलप दो इट रिक्वायर क्रिएटिविटी क्योंकि एक ही प्रॉब्लम का मल्टीपल लोगों को अलग अलग सोल्यूशन देना पड़ सकता है या फिर एक ही प्रॉब्लम का मल्टीपल पॉइंट पे सेम व्यक्ति को अलग अलग सोल्यूशन देना पड़ सकता है या नहीं सो यू नीड दैट क्रिएटिविटी मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि बंदे को बुखार हुआ इसको आपने पैरासिटामॉल दिया तो ये बुखार कम हो जाएगा डोलो से डोलो राइट right? That's not the case every time. Depending upon the criticalities, depending upon the situation of the person, you are going to decide the multiple aspects. Regular practice, you need the continuous. जितना ज्यादा मैं लोगों के साथ में डील करूँगा, जितना ज्यादा मैं लोगों को मैनेज करूँगा, उतना मैं पॉलिश होता जाऊँगा, उतना मैं इंप्रूव होता जाऊँगा। आर्ट में भी तो वही होता है ना अगर आप पेंटिंग करना स्टार्ट करो पहली बार हम सीधी लाइन नहीं मार सकते बाद में हम लोग किस तरह से हमको मूव करना है That is what you call as that they require the continuous practice, regular practice. And the last part in that is that it requires the personal abilities. You need to have the innate abilities within yourselves. If you have those abilities, you will be able to carry out the activities in a proper manner. मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों इसे साइंस माना जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप एक पर्टिकुलर डिसीजन लोगे तो उसका रिजल्ट आपको पहले से पता होता है कॉज एंड इफेक्ट अगर आप साइंटिफिकली चीजों को एनालाइज करोगे तो आप उसका ज्यादा जा, अच्छा सोल्यूशन निकाल पाओगे ज्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस का डिसीजन ले पाओगे दैट इज वाई मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज साइंस द दार्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस

कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ रहे हो और अगर आपके सामने किसी भी तरह का हर्डल नहीं आ रहा है और अगर आप वो स्पीड मेंटेन करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक गिवन समय ही लगेगा उससे ज्यादा ना उससे कम दैट इज द काइंड ऑफ थिंग और नॉट सो द सेम एस्पेक्ट आप गूगल पे चेक कर लो गूगल पे आप जैसे लगाते हो मैप्स इमीडिएटली गूगल स्टार्ट शोइंग यू दैट इन वॉट टाइम यूल एबल टू रीच इवन इट कंसिडर्स द ब्लॉकेजेस एज वेल ब्लॉकेजेस के भी आपको बोलता है फोर मिनट्स स्लोअर देन यूज मिनट स्लोअर देन यूजल उसको कैसे पता कि वो ब्लॉकेज कितने टाइम में खुलेगा रोजमर्रा की जिंदगी है वहां पे वो गूगल पहले से एनालाइज कर रहा है स्ट्रॉन्ग सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल उसी तरह से जब आप बिजनेस मैनेज करने जाते हो तो आपके बिजनेसेस में भी आपने पहले कुछ डिसीजंस ले रखी होती हैं या आपके पूर्वजों ने मतलब सीनियर्स ने कोई डिसीजंस ले रखी होती हैं आप उनको मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजंस को ध्यान में रखते हो यानी या डिसीजंस लेकर लेते हो सो दैट्स वाइट इज सेट दैट साइंस इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड ऑब्जर्वेशन इज देयर यू कीप ऑन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स एंड देर इज अज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर आपने एक डिसीजन ली तो उसका सोल्यूशन उसका रिजल्ट उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये आप एनालाइज करके आगे बढ़ते हो एंड देन द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट में बहुत सारे अलग अलग रूल्स सिस्टम प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये रूल्स पोस्टूलेट प्रिंसिपल सिस्टम जो बनाए गए हैं ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं और इसी वजह से मैनेजमेंट को साइंस भी माना जा सकता है माना जाएगा यह जरूरी नहीं है राइट बट इवन इफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज साइंस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्योर साइंस इट इज कंसिडर्ड एज वॉट अप्लाइड साइंस द लास्ट पार्ट दैट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इफ यू वॉन्ट टू कंसिडर इट फॉर्मल एजुकेशन किसी भी प्रोफेशन के केस में हमने कल ही पढ़ा था इन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इन द एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन उसमें हम लोग प्रोफेशन में पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास नॉलेज एक्सपर्टीज है तो ही आप प्रोफेशनल कहलाओगे और वो नॉलेज एक्सपर्टीज के लिए आपको एजुकेशन गो थ्रू करना पड़ेगा सो दैट एजुकेशन सिस्टम इज नथिंग बट द फॉर्मल एजुकेशन वॉट यू कॉल एज फॉर बिकमिंग अ प्रोफेशनल यू नीड टू हैव अ फॉर्मल एजुकेशन हालांकि यह जरूरी नहीं है कि मैं मैनेजर बनने के लिए फॉर्मली एजुकेटेड हूं आई कैन लर्न द मैनेजमेंट बाई एक्सपीरियंस ऑल्सो नॉट राइट एंड दैट्स वाई देर इज स्टिल द काइंड ऑफ डायलेमा डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट वन सेज मैनेजमेंट कैन बी अ प्रोफेशन द अदर सेज दैट मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरली अ प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एग्जाम्पल ले लो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मैंडेटरी होता है शुड बी फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट आप लॉयर्स का एग्जाम्पल ले लो तो वहां पर मैंडेटरी होता है कोड ऑफ कंडक्ट विच इज सेट बाई काउंसिल अगर आप डॉक्टर ले लो तो दे है कोड ऑफ कंडक्ट रिटर्न बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर मैनेजर्स के लिए अब तक इस तरह का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट इज नथिंग बट द सेट रूल्स एंड रेगुलशन अंडर विच ए प्रोफेशनल कैन

उस तरह का रजिस्ट्रेशन यू नीड टू डू फॉर द मैनेजर्स रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यहां पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं जिसको मैनेजर बनना है वो बन सकता है मैं एक्सपीरियंस मैनेजर बनना चाहता हूं मैं बन सकता हूं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री विल बी देयर ओनलीफ यूर द फॉर्मल एजुकेशन रिलेटेड टू दैट सो दीज आर दस्पेक्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट From these all aspects, we can simply understand management is surely the combination of science as well as art. But over the modern approach, over the modern era, it has been considered as a profession as well. It is not necessary that you may require a formal education for it but you will surely be requiring the expertise you will surely be requiring the experience based on which you can practice it individually and in such cases the management can be considered as a profession as well all right